गुड मॉर्निंग टू ऑल माई नेम इज़ कामिनी शर्मा फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल टुडे आई एक्सप्लेन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास सिक्स द नेम ऑफ आर चैप्टर इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स सो लेट्स स्टार्ट आर चैप्टर आर एन इज एन इलेक्ट्रॉनिक एज कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ दिस एज बच्चे अगर हम लोग आज के समय की बात करें तो हम सब जो है किस पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंडेंट है तो डैट तो मीन कौन सा सिनारियो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सिनेरियो चल रहा है तो जो कंप्यूटर है उनमें से एक ऐसा यंत्र है जिसकी इन्वेंशन इन्वेंशन का मतलब होता है कि लाइक उसका जो आविष्कार जो है इन्वेंट हुआ है इस टाइम पर सो इट इज़ विद दी हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर डैट वी कैन हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी वेदर अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर की ही तो कंप्यूटर की ही वजह से कंप्यूटर क्या करता है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनमें से एक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कंप्यूटर से लेटेस्ट वेदर की कि जो मौसम है वो आज का कैसा है द इम्पैक्ट ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ चेंज द व वे ऑफ दिए लाइफ अब कंप्यूटर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में आ रहा है उसने हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है इट हैज़ नंबर ऑफ़ यूजेज़ इन द मॉडर्न लाइफ विद द इंक्रीजिंग नीड ऑफ द फास्टर कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स टू अंडरवेंट अ चेंज अगर हम लोग बात करें बच्चा अब दिन ब दिन क्या हो रहा है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जो लोग हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं लोग जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए हुए हैं कंप्यूटर्स पर ही इवन फास्टर कम्युनिकेशन करने के लिए भी फास्टर कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि इन केस अगर आप कुछ भी मैसेज सेंड करना चाहते हो या कन्वे करना चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग ईज़िली जो है इंफॉर्मेशन को और मैसेजेस को ईज़िली कन्वे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ सिंस द डेवलपमेंट ऑफ दिय फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर बाय डॉक्टर टर्नर इन नाइनटीन फोर्टी थ्री अगर हम लोग बात करें बच्चा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर जो था वो किसने इन्वेंट किया था किन किसने उनको खोजा था डॉक्टर टर्नर ने किया था नाइनटीन फोर्टी थ्री में द चेंजेस इन इट कंटिन्यू टू बी एट अ फास्टर पेस अब जो उन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट किया था नो no डाउट उसमें भी बहुत सारी ये जो फीचर्स थे बट ऐसा जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम निकलता जा रहा है उसमें और भी चेंजेस आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड इन ए नाइनटीन फोर्टी सिक्स वॉज सो बिग इन साइज़ डैट वी हैड टू कंटेन इट इन अ रूम अब जो उन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था ना उसका जो साइज़ था वो एक्चुअली में बहुत ही बड़ा था जिसकी वजह से उनको रख उस कंप्यूटर को रखने के लिए हमें क्या चाहिए था एक पूरा रूम चाहिए होता था क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा था सिंस देन द एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन आज लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स विच आर मोर कंपैक्ट एंड पावरफुल अब उसके बाद क्या हो गया और सारी बहुत सारी इन्वेंशन हुई लाइक like अब कंप्यूटर का साइज़ इतना बड़ा होता था कि हम लोग ईजिली जो है उसको कैरी कर कर एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे तो और भी बहुत सारी एडवांसमेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज आ गई लाइक लैपटॉप आ गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर आ गया जो मोस्टली uh, कॉम्पैक्ट होता था इसको हम लोग ईजिली कैरी कर सकते थे और ये ज़्यादा पावरफुल होता था सो दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड कैन बी यूज ऑन आर लैप और ये क्या होते हैं ये सस्ते होते हैं और इनको हम इजीली अपनी गोदी में लैप्स का मतलब होता है गोदी में हम गोदी में रखकर इनको यूज कर सकते हैं बिसाइड्स द डिजिटल कंप्यूटर वी हैव टुडे टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेमली एनालॉग कंप्यूटर एंड द हाइब्रिड कंप्यूटर अब डिजिटल कंप्यूटर के अलावा अगर हम लोग बात करें आज के समय की तो हमारे पास दो और तरह के कंप्यूटर्स होते हैं बच्चे एक है हमारा एनालॉग कंप्यूटर और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क डायरेक्टली विद द फिजिकल क्वांटिटी सच एज़ वेट और स्पीड रेदर देन द डिजिट्स विच रिप्रेजेंट द क्वान्टिटी देयर आर दी फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो मेनली हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक like, जैसे किसी पर्सन का वेट या वो स्पीड है उस टॉय की स्पीड कितनी है ठीक है उसको हमें क्या करना है डिजिट के अलावा क्वांटिटी में उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेंगे वी यूज़ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन अ डिजिट्स देन वी यूज़ द डिजिटल कंप्यूटर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट इन अ क्वान्टिटी देन वी यूज़ एनालॉग कंप्यूटर्स लाइक द डिजिटल कम्प्यूटर्स दे प्रोसेस डेटा बाय अ मैनिपुलेटिंग नंबर्स अब ये जो डिजिटल कम्प्यूटर्स होते हैं एना लॉक कम्प्यूटर भी क्या करता है जैसे डिजिटल कम्प्यूटर में पूरी मैन्युपुलेशन होती है डेटा जब हम लोग देते हैं कि लाइक like जो कम्प्यूटर है वो बाइंड्री लैंग्वेज को समझता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो मैनुपलेसन होती है उसकी तो सेम बच्चा एनो एना लॉक में भी क्या होता है मैन्यूपलेटिंग होती है किसकी नंबर्स की a कंप्यूटर कैन solve द प्रॉब्लम्स एंड द फिगर्स जस्ट विद द रिसीविंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन as what टू डू अब कंप्यूटर क्या करता है अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर में इंसर्ट करना पड़ेगा तो हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो कंप्यूटर एज पर हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और फिर वो उसको सॉल्व करता है अ लिस्ट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन फ़ॉर अ कम्प्यूटर टू फॉलो इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम अब जो हम लोग बच्चे इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कंप्यूटर को वो पूरे काम को करने के लिए तो वो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है ना कंप्यूटर वो क्या होता है हमारा प्रोग्राम होता है सो वट इज़ प्रोग्राम अट ऑफ़ इंस्ट्रक्शनस गिवन टू द कम्प्यूटर जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं किसी वर्क को करने के लिए उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं इन अदर वर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डेट टेल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर और वट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड तो सिंपली अगर मैं दूसरे शब्दों में प्रोग्राम की डेफिनेशन बताऊँ तो वो क्या होती है जब हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर ऑफ़ द कंप्यूटर को तो वो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर क्या करता है उसको ऑपरेट करता है लाइक like, उसको परफॉर्म करता है और फिर एग्जैक्ट जो है रिजल्ट देता है इन द एज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन व्हेन इंसेंटेनियस कम्युनिकेशन इज नीडेड कंप्यूटर हैज़ बिकम अ इनडिस्पेंसेबल टू अस अगर हम लोग बात करें बच्चे आज के समय की दिन ब दिन क्या हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रगति हो रही है और जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है हम लोग कम्प्लीटली जो है मशीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने वर्क को कम्प्लीट करने के लिए इवन अगर हमें कम्युनिकेशन भी करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वी यूज़ मोबाइल ठीक है mobile, हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो मेनली क्या हो रहा है दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है so सो इन द बिगनिंग इट वॉज used for the calculation but today it has a multi-purpose uses अगर हम लोग बात करें बच्चा कंप्यूटर की जब वो शुरुआत में आया था तो वो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था बट हम आज की बात करें तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं मल्टी मल्टीपर्पजेज़ के लिए मतलब बहुत सारे काम करने के लिए हम कंप्यूटर को जो है यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर इज़ अ इमेंसली हेल्पफुल इन दी ए फील्ड ऑफ ए साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड द रिसर्च अगर हम लोग बात करें तो जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किस फील्ड में साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च करने के लिए लाइक जैसे जो आप साइंस में टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक सारे किस से रिलेटेड होते हैं रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च करनी है तो बच्चा कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है

प्रॉब्लम आती है लाइक like कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम दी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो आप उसको सॉल्व करने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ करेंगे एंड इवन इन केस आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो तब भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं सो कंप्यूटर्स बीन प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन एवेल्यूएटिंग एंड डेवलपिंग अ डिफिकल्ट थियोरीज अब कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कंप्यूटर क्या करता है ये जो मुश्किलें मतलब जो हमारी मुश्किल प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने में अगर हम उसको इवैल्यूएट मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कंप्यूटर जो है वो उसको इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है और वो डिफ़िकल्टी वाली जो थेरीज होती हैं उनको इजी वे से रिजॉल्व कर देता है देन कैलकुलेशन यूज टू बी ए स्लो बिजनेस इन एंशियन टाइम मैनी कैलकुलेटिंग डिवाइस वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग द कैलकुलेशन क्विकली अगर हम लोग बात करें बच्चा एंशियन टाइम पीरियड की तो नो no डाउट तब भी बिजनेस होता था तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू तब भी कैलकुलेशन होती थी पर वो जो कैलकुलेशन होती थी उसके लिए वो बहुत सारी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते थे जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए कंप्यूटर्स कैन डू इवन डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अब कंप्यूटर्स क्या करते थे जितनी मर्जी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाए उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते थे वी कैन यूज कंप्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ ए फाइनेंस एंड इकनॉमिक्स इट कैन सोल्व द डिफ़िकल्टवेशंस वी यूज इट टू द फिगर ऑफ द फोर्सेज ऑन द बजट अगर हम लोग बात करें और कंप्यूटर हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फिनांस और इकनॉमिक्स में भी कंप्यूटर का कंसेप्ट जो होता है वो यूज़ होता है मतलब लाइक like, पैसे से रिलेटेड और आर्थिक दशा जो हमारी होती है इकोनमी वगैरह तो जो आर्थिक प्रक्रियाएँ हो रही होती हैं वहाँ पर भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं इवन आप कह सकते हैं बजट वगैरह बनाने में भी कंप्यूटर यूज़ होता है सो so, बच्चा ओवरऑल इस चैप्टर में हम मेनली क्या कर रहे हैं हम यही पढ़ रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ही यूजफुल है आज के टाइम पे और हम लोग जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे तो इवन पीपल कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड अब लोगों ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट uh, किया है उसको भी वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन सेव अवर मनी एंड टाइम हम अपने पैसे को भी बचा सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से और टाइम को भी बचा सकते हैं दी ऑप्टेन फिगर आर एक्यूरेट एंड द रिलाइबल क्यों क्योंकि हम लोग अपनी कैलकुलेशन किससे कर रहे हैं कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करेगा वो तो एक्यूरेट ही करेगा ना एकट मतलब बिल्कुल सही करेगा और वो रिलायबल भी होगी उससे रिलेटेड ही होगी क्योंकि क्या होगा जो फिगर्स बच्चा मैं डालूँगी कंप्यूटर में टाइप करके तो रिज़ल्ट तो वही आएगा केस अगर मैं ही कुछ गलत टाइप करूंगी तो कैलकुलेशन भी गलत आएगी तो हम इसमें कंप्यूटर का तो ब्लेम नहीं कर सकते सो मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन स्टोर द अनबिलीवेबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन और आज के कंप्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही डेटा को स्टोर करते हैं सो इनफॉर्मेशन कंटेंट इन कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ डेटा बेस अब वो जो डेटा हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डेटा कहते हैं सो डेटा कैन बी एनॉर्मस

प्लेस इन्फॉर्मेशन अवज डेटा बेस इज अ सर्ज इन कंप्यूटर हम ईजिली क्या कर सकते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं जिस भी डेटा को अगर मुझे देखना हो सो इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर कैन बी चेंज विद इन अ सेकेंड अगर इनकेस आप कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो तो आप विद इन अ सेकेंड उस इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं सो ड्यू टू इट्स एफिशंसी एंड एक्यूरेसी कंप्यूटर इज अ वाइडली यूज इन दियर वेरियस प्रोफेशन अब कंप्यूटर जो है झटपट से सारे काम कर देता है इसलिए जो कंप्यूटर है बहुत सारे एक कामों में यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरीज़ की तो कंप्यूटर्स आर यूज़ टू होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ दुक्स बुक्स की कौन कौन सी बुक्स हैं लाइब्रेरी में उसका भी सारा डेटा होता है सो इन हॉस्पिटल दीज आर यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स अबाउट द पेशेंट और हॉस्पिटल्स में क्या होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के ये काम आता है पेशेंट्स के इन बिजनेस कंप्यूटर्स आर यूज़ टू स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इम्प्लॉयज़ कस्टमर्स एंड द प्रोडक्ट्स और बिजनेस में क्या होता है कंप्यूटर जो है वो यूज़ हम लोग करते हैं वही लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इवन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जस्ट यहाँ जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसके भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स हैव देयर दूजेज इन दिया स्टॉक मार्केट हम कंप्यूटर को स्टॉक मार्केट में भी बच्चे यूज करते हैं रेलवेज में भी करते हैं बैंकिंग में भी करते हैं सो कंप्यूटर आज ऑल्सो यूज टू अस्टोर द इलेक्शन रिजल्ट एंड द सेंस इंफॉर्मेशन ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट क्या आया है सेंसस इंफॉर्मेशन भी हम लोग जान सकते हैं किसकी हेल्प से विद दी हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर ओके देन थ्रू इंटरनेट वी कैन गिव द इंसनटेनियंस एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक और इन केस अगर कंप्यूटर में हमारा क्या होता है इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं तो बच्चे हम लोग किसी भी चीज़ की कहीं से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि गूगल जो है जो हमारे सर्च इंजन होते हैं वो एग्जैक्ट हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं सो दस कंप्यूटर इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ दियर नॉलेज तो जो कंप्यूटर है वो क्या है हमारा स्टोर हाउस है किसका नॉलेज का मतलब कंप्यूटर जो है वो ज्ञान का भंडार है ओके okay? इस लाइन का मीनिंग यही है कि जो कंप्यूटर है वो ज्ञान का भंडार है इट्स फ्यूचर इज़ अ वेरी ब्राइट इन इंडिया वी शैल हैव टू डिपेंड ऑन इट और इससे हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा है और हमें क्या है हम सब जो है वो किस पे डिपेंडेंट है कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है सो सी बच्चा इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न कि हम लोग क्या हैं हम वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर एंड द राइटर इज़ एक्सप्लेनिंग इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर इन आर डेली लाइफ जो राइटर है वो बता रहा है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और हम किस तरह से कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है सो so, बच्चा वट यू हैव टू डू यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड चैप्टर इज़ रियली वेरी ईजी आई एम हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर दैट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू विल गेट द कंसेप्ट चैप्टर को रीड कर कर ही आपको इवन कंसेप्ट समझ आ जाएगा बट अगर आप इसको थारोली रीड करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा और कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा सो आफ्टर रीडिंग एंड वॉचिंग द वीडियो वट यू हैव टू डू यू हैव टू मेक द कवर पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड शोन यू डेट हाउ टू मेक द कवर पेज

A, B, and C. So you have to uh, do this question A, B, C in your English book with pencil. Don't do these questions in your English notebook. I am repeating, do it in your English book with pencil. After that, you have to write question D in your English notebook. Use black pen. फॉर राइटिंग क्वेश्चन एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग आंसर ठीक है बच्चे तो आपको नोटबुक में सिर्फ क्या करना है क्वेश्चन डी करना है और वर्ड मीनिंग करने हैं पर वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन डी करने से पहले आपको क्या करना है कवर पेज बनाना है चैप्टर का ओके okay? तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है और रेस्ट ऑफ द वर्क आपको किस में करना है अपनी इंग्लिश की बुक में ही करना है विथ पेंसिल एंड बच्चा सी आपको इसके साथ साथ एक काम और करना है जस्ट राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर आपको एक आर्टिकल भी लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर विथ पिक्चर्स ठीक है तो आपको एक ये भी काम करना है क्योंकि एक ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली कंप्यूटर पर है तो नो no डाउट आपको आर्टिकल भी आ सकता है इसपे लिखने के लिए तो आपको एक आर्टिकल भी लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर विथ पिक्चर सो प्लीज़ स्टूडेंट वॉच द वीडियो प्रॉपरली गो थ्रू द कंटेंट इन केस इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू हैव अ नाइस डे